हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? लॉकडाउन पीरियड, घर पे बहुत लंबे समय से बंद। अच्छा ये बताओ कि घर पे जो भी पढ़ रहे होगे, चाहे न्यूज़पेपर हो या फिर कोई बुक पढ़नी हो, कैसे होता है ये? क्या क्या कर रहे हो? ऑफ कोर्स मोबाइल से या फिर कंप्यूटर पे नेट कनेक्ट करके, इजंट इट? अच्छा कैसा एक्सपीरियंस है ये पीडीएफ से पढ़ना या ई पेपर्स, ई न्यूज़पेपर्स पढ़ना, ई मैगजीन्स पढ़ना, पीडीएफ बुक्स पढ़ना? पहले भी पढ़े होंगे पीडीएफ बुक्स, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अब तो 100% उसी पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। नो क्लासरूम, नो फिजिकल टीचर प्रेजेंट। कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस? ये दिस मस्ट बी रियली डिफरेंट, यू नो, व्हेन यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस ई कंटेंट, दिस मस्ट बी अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, इजंट इट? आज तक तो हम ऐसे बात करते थे जैसे कि हाँ ठीक है, हम घर जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेंगे, या फिर ठीक है ऑनलाइन भी कुछ मिलेगा तो ऐड कर लेंगे, क्लास में पहले अच्छे से सुन लेते हैं, है ना? लेकिन अब ये बिल्कुल बदल चुका है। अब तो कोई क्लासरूम जाने का सीन नहीं है, सब कुछ फिलहाल घर पे ही देखना है। सो चिल्ड्रन, आई एम टॉकिंग ऑल दिस बिकॉज आज मैं क्लास 9th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने जो लेकर आई हूँ, वो चैप्टर कुछ इसी तरह के थॉट पर, इसी तरह के एक आइडिया पर बेस्ड है, जहाँ पर सारी पढ़ाई ऑनलाइन होगी या एक मैकेनिकल टीचर के थ्रू होगी। वेलकम टू क्लास 9th, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस, एंड आई एम हेयर टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट बुक ऑफ योर इंग्लिश सिलेबस। एज द नेम सजेस्ट ओवर हियर, द नेम ऑफ द बुक इज बी हाइव, एंड दैट इज द मेन रीडर बुक। एक बुक और है आप लोगों की जिसका नाम है मोमेंट्स, जो सप्लीमेंट्री रीडर है। बी हाइव का पहला चैप्टर है द फन दे हैड। अच्छा ये बताओ, स्कूल्स मिस कर रहे हो ना? याद आ रहा है ना कि स्कूल में क्या होता था, कैसे हम खेलते थे दोस्तों के संग, टीचर्स से मिलते थे, कितना एंजॉय करते थे, है ना? डेफिनेटली द फन वी ऑल हैड, बट टुडे इट इज डिफरेंट। एंड आज की हमारी ये कहानी भी कुछ इसी तरह के एक आइडिया पे बेस्ड है। कहानी को लिखा है आइजैक एसिमोव ने। यू कैन सी द नेम रिटन ओवर हियर, आइजैक एसिमोव। आइजैक एसिमोव एक अमेरिकन राइटर थे, और आइजैक एक्चुअली वो एक बाय प्रोफेशन एक राइटर नहीं थे, बट स्टिल ही इज वेरी नोन फॉर हिज साइंस फिक्शन राइटिंग। इनके साइंस फिक्शन को ये हार्ड साइंस फिक्शन लिखते थे, और इन्होंने 500 से ज्यादा बुक्स एडिट की हुई हैं। एंड ही वॉज अ रियली क्रिएटिव थिंकर, एंड वॉट क्रिएटिविटी ही हैड वी विल डेफिनेटली सी इन दिस स्टोरी। ये जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, द फन दे हैड, ये करीब 150 साल आगे की स्टोरी है। इस स्टोरी में राइटर ने अज्यूम किया है एक ऐसा समय जिस समय ना ऐसे ह्यूमन टीचर्स होंगे, ना कोई स्कूल्स हुआ करेंगे, बिल्डिंग फिजिकल फॉर्म में कोई स्कूल्स नहीं होंगे, जो पढ़ाई होगी वो सब हर स्टूडेंट घर से करेगा। अभी जैसे आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, आई एम स्टिल अ ह्यूमन पर्सन एंड यू आर स्टिल लिसनिंग टू अ ह्यूमन बींग। बट आइजैक एसिमोव हैज अज्यूम्ड, उन्होंने इमेजिन किया है एक ऐसा समय जहां पे ह्यूमन टीचर्स ही नहीं होंगे, और मोबाइल की जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होंगी, मे बी समथिंग लाइक दिस, जैसा ये बोर्ड है ऐसी बड़ी सी टीवी स्क्रीन होगी, और एक अलग से रूम होगा जिस रूम में बच्चे जाएंगे और वहां पे अपनी पढ़ाई करेंगे। अच्छा ये रूम कहाँ होगा? क्या ये रूम किसी स्कूल में होगा, कहीं बिल्डिंग में होगा? नो, दिस विल बी नेक्स्ट टू योर बेडरूम प्रोबेबली, एज पर आइजैक एसिमोव साइंस फिक्शन द फन दे हैड। और उस रूम में क्या क्या होगा, कौन पढ़ाएगा? अच्छा अगर ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? कौन बताएगा कि अब ये तैयार हो गया है तो चलो अब टेस्ट दो, नॉट टेस्ट में तुम्हारे इतने मार्क्स आए हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट। कौन बताएगा, मशीन, रोबोट, या फिर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड कंप्यूटर, कौन होगा आखिर? यही सीक्रेट अनफोल्ड हुआ है इस स्टोरी में, एंड लेट्स सी कि कहाँ तक इसको जस्टिफाई कर पाते हैं एक नॉन ह्यूमन टीचर।
कहाँ तक वो एक ह्यूमन टीचर को रिप्लेस कर पाते हैं, कर पाते भी हैं या नहीं, दैट इज फॉर यू टू एनालाइज एंड वी विल डिस्कस ऑन इट एज वी विल गो अहेड विद द स्टोरी. नाउ सिंस ये एक स्टोरी है, व्हाई नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड इट. अब सोचोगे तुम लोग कि मेरे पास तो बुक नहीं है, हम कहाँ से पढ़ें. सो जो ये वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस स्टोरी का पीडीएफ है. Now, how will you read and simultaneously listen to me? You can use one more phone और उसमें PDF open कर सकते हो और इस phone से मुझे सुन सकते हो. So you will have the advantage of the benefit of simultaneously reading and listening to the lecture. Okay? Now let's read it together. I hope by now you must have arranged a phone. Let's read this together. The story, the fun they had. The story starts with, I'm reading for you and simultaneously I will explain it also. Margi even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157. So we are talking about not 2020 but 2157. Okay, so please mark it. This is a very important line. You must remember this. She wrote, today Tommy found a real book. Now by the names, it seems to us, we still don't know, aisa lagta hai ki Margie aur Tommy koi do bacche honge. Aur Tommy ko ek real book mili. Now what do you think is a real book? Kya hota hai ek real book? Tell me, think over. Can you guess? Real book is the physical book, not this e-content. The physical book. तो सबसे पहले जो चीज हमें याद करनी है, दैट इज द डेट. सो दिस रेफर्स टू 17th May 2157. ये स्टोरी 2157 की है. एक जैसे एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं कि मार्गी ने कहां पे लिखा था. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस इज अ डायरी एंट्री. Now let's proceed. It was a very old book. Ek aur important baat yahan pe hum likh lein. Real book. Kisko mili thi real book? This real book was found by Tommy. And what do you mean by a real book? We mean a physical book. Ek paper book hoti hai, jo hard book hoti hai, jo hum use karte hain normally. Why are they calling it a real book? Because the writer has imagined कि ये जो टाइम होगा इस दौर इस समय कोई भी बच्चा एक पेपर वाली बुक यूज करता ही नहीं होगा. बच्चा बड़ा कोई भी एवरीबडी वुड बी यूजिंग और प्रोबेबली ही इज जस्ट इमेजिंड द टाइम कि ऐसा समय आएगा जब सिर्फ लोग पीडीएफ फाइल्स स्क्रॉलिंग टेक्स्ट यही सब पढ़ेंगे. ओके नाउ लेट्स प्रोसीड. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. Now see, Margie's grandfather told that when he was a child, his grandfather, yani Margie ke grandfather ne bataya tha ki jab wo chote the, to unhone bataya ki unke grandfather ne bataya tha ki ek aisa samay tha कि जब स्टोरीज जो हैं वो कागज पे प्रिंट होती थी. सो यू कैन इमेजिन दैट फॉर जेनरेशंस मार्गी हैज नॉट सीन, मार्गीज फैमिली हैज नॉट सीन एनी बुक, एनी रियल हार्ड बुक. ओके नेक्स्ट. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. Now, who are they in these lines? Ye they kaun hai? They are the people who used the hard book. Jo paper wali book use karte the, unko they bola gaya hai. Aur the grandfather narrated ki jo wo log the, badi aashcharya ki baat hai ki unki books jo hai wo pages hote the, yellow aur crinkly pages hote the. Crinkly ka meaning book mein diya hua hai. You can see alongside it is given with many folds or lines. क्रिंकली पेजेस होते थे और लोग पेज पलट के पढ़ते थे. वहां पे वर्ड्स फिक्स्ड होते थे, प्रिंटेड होते थे और लोग पलट पलट के पेज पढ़ते थे. ओके
स्टूड स्टिल, दिस इज इम्पोर्टेंट, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे देवर सपोज टू, यानी जो वर्ड्स थे वो स्टिल रहते थे रादर देन मूविंग. यानी मार्गी की जो बुक्स थी वो कैसी थी, स्क्रीन पे वर्ड्स मूव करते रहते थे, स्क्रॉल करते रहते थे वर्ड्स. ओके, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो और जब वापस पेज पलटते थे तो फिर वही वर्ड्स मिलते थे जो पहले थे. यानी बड़ी आश्चर्यजनक बात लग रही थी मार्गी को और मार्गी के ग्रैंडफादर को भी कि वर्ड्स ऐसे स्क्रॉल नहीं हो रहा था, वो सब फिक्स्ड था और पेज पलटते थे तो फिर वही वर्ड्स उसी जगह पे मिल जाते थे. जी, नाउ जी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हेन यू डोंट डिसलाइक, व्हेन यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग, देन यू से जी व्हाट इज इट. कितना बेकूफी की बात है ये, सेड टॉमी. व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस. सो टॉमी बोलता है कि कितना वेस्ट है ये, कितना वेस्ट है ये सामान का, बुक पढ़ लिया और फिर वेस्ट, खत्म, फिर क्या करेंगे उसके बाद, कोई मतलब नहीं है उसका. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे. सो टॉमी सेज कि ये कितना वेस्ट है, पेपर पे वर्ड्स प्रिंटेड हैं, एक बार पढ़ा और फिर वेस्ट हो गया, जब पढ़ के खत्म हो गया तो वी थ्रो इट अवे. लेकिन हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है ना, हमारा मींस टॉमी एंड मार्गी और उनके जैसे दूसरे बच्चों का जो टेलीविजन स्क्रीन है, दैट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग मिलियंस ऑफ बुक्स, इट ऑलरेडी हैज एंड इट कैन स्टोर मेनी मोर, एंड दे वुड नेवर थ्रो दिस टेलीविजन अवे. Now, what is this television? Probably some computer screen or maybe computer and television in the same device, something like that. Okay. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. So another point to note, we have two children here. Margie, who was 11 years old. And Tommy, who was 13 years old. So we have two children here. Okay. You must remember they are the protagonist of the story. Protagonist, yani main characters hai ye. Inke baare mein yaad rakhna. Okay. She said, where did you find it? Now the question comes, ki jab itne peedhiyon se kisi ne book dekhi hi nahi hai, to ye real book aakir Margie ke paas Tommy laya kahan se? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. Now, what is attic? Attic hota hai, jo store room hota hai, ceiling ke upar. Jo roof pe hum store room banate hain, that is called as attic. Okay, so the meaning is given in your book as well. What's it about? Now, Margie asks, ki iska kis baare mein hai ye book? You found this book in your attic, that's fine. Lekin kis baare mein hai? And Tommy says, the subject of this book, that means the book talks about school. Margie was a scornful. Scornful matlab tam naraz ho gayi, upset ho gayi. School, what's there to write about school? I hate school. Now Margie said, school? School ke baare mein kya hai batane ke liye? Aisa hai kya schoolon mein jiske baare mein hum baat karein? I really hate school. Itna kyun nafrat karti thi wo apne school se? Do you like your school? I'm sure you must be. I'm very much fond of your schools. But then Margie ko apna school bilkul pasand nahi tha. Kyun nahi tha? Let's see. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Now, मार्गी को कभी भी अपना स्कूल पसंद नहीं था. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. मार्गी डिड नॉट लाइक हर स्कूल. वी मस्ट नोट इट डाउन. मार्गी को इन जनरल अपना स्कूल पसंद नहीं था. डिडंट लाइक हर स्कूल. और अभी उसको और ज्यादा बुरा क्यों लग रहा था अपना स्कूल? क्योंकि जो ज्योग्राफी सेक्टर था, जो उसका जो मैकेनिकल टीचर में जो ज्योग्राफी मैकेनिकल टीचर था, वो ज्योग्राफी के टेस्ट आफ्टर टेस्ट लेता चला जा रहा था और मार्गी का परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा था. दैट इज वाई शी वॉज रियली वेरी मच
मींस अपसेट अबाउट टॉकिंग रिगार्डिंग टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, और उसको बिल्कुल भी स्कूल्स पसंद नहीं थे. एंड फाइनली एक दिन उसकी मदर परेशान हो गई उसके पुअर परफॉर्मेंस से, एंड शी डिसाइडेड टू कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर. नाउ हु इज दिस काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी रेफर्स टू एन एरिया. जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, प्रोबेबली यूरोपियन कंट्रीज जो मोस्टली हैं, वहां पे एरियाज होते हैं जिनको काउंटी बोला जाता है. सो दे आर लोकेलिटीज, एक्चुअली दे आर बिग एरियाज. और काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया का जो भी स्कूल का इंचार्ज होगा, ये सारे जो बच्चे स्कूल्स या मैकेनिकल टीचर्स यूज करते होंगे, इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, इनको क्या सिलेबस पढ़ाएंगे या इनमें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक करने के लिए, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एन ऑफिस, और उसका कोई इंचार्ज होगा. सो इट सीम्स, मींस इट इज, इट प्रोबेबली सीम्स फ्रॉम द स्टोरी दैट द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड द सिलेबस दे वर टीचिंग इन हिज एरिया. ठीक. सो मैकेनिकल टीचर को जो ज्योग्राफी सेक्शन बार बार उसका देता जा रहा था, अब एक सवाल आगे बढ़ने से पहले आता है, ये मैकेनिकल टीचर कहाँ से आ गया? अभी तक तो हमने कोई मैकेनिकल टीचर की बात की नहीं है. मैकेनिकल टीचर वॉज द सेम मशीन वेयर मार्गी एंड टॉमी वॉज सपोज टू फाइंड देयर क्लासेस, देयर एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग. ये वो मशीन थी जो कि उनका टेलीविजन स्क्रीन भी था, जो उनका टीचर भी था, और जो उनको होमवर्क्स भी देता था और उसको वापस असेस भी करता था. वी विल सी हाउ दे डू इट. ओके. सो द काउंटी इंस्पेक्टर केम एंड पैराग्राफ 4 इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ काउंटी इंस्पेक्टर. सो अ न्यू कैरेक्टर कम्स इन द स्टोरी, दैट इज काउंटी इंस्पेक्टर. एंड काउंटी इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर स्कूल जरूर अपने एग्जाम में पूछता है. सो यू मस्ट रिमेम्बर द डिस्क्रिप्शन ऑफ काउंटी इंस्पेक्टर, और पैराग्राफ 4 उसका आंसर है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाई अ राउंड लिटिल मैन? ही वॉज शॉर्ट हाइटेड, प्रोबेबली अ लिटिल फैट, एंड विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. सो दिस मैन केम, ये काउंटी इंस्पेक्टर आता है और इसके पास पूरा एक इसका अपना एक किट है, टूल किट है जो ये लेके आता है, सो दैट ही कैन फिक्स द प्रॉब्लम्स इन द मैकेनिकल टीचर. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. एंड आफ्टर एन आवर और सो, देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विद द बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. सो जब वो आए तो उन्होंने मार्गी को एक एप्पल दिया. शी वॉज अ क्यूट किड, तो उन्होंने एक एप्पल दिया कि यू एंजॉय द फ्रूट टिल आई फिक्स योर मैकेनिकल टीचर. और उसके बाद जब वो बनाना शुरू किए तो मार्गी ने क्या एक्सपेक्ट किया था? जैसे तुम्हारे स्कूल्स बंद है तो तुम क्या सोचते हो? जल्दी से स्कूल खुले, हम फिर से अपने फ्रेंड्स से मिलें, हम अपने क्लासमेट्स को देखें, हम अपने टीचर्स को देखें, अपने स्कूल को देखें, फिर वही एक्टिविटीज हो, वैसी पढ़ाई हो. यू डेफिनेटली मिस योर स्कूल. लेकिन यहाँ मार्गी क्या होप कर रही थी? मार्गी होप्ड कि काश ऐसा हो कि ये पूरा मशीन इन्होंने खोल तो दिया है, द सो कॉल्ड मैकेनिकल टीचर, उसको खोल तो दिया है, अब ये उसको बना ना पाए, फिक्स ना कर पाए. शी हेटेड हर स्कूल रूम एंड हर मैकेनिकल टीचर टू दिस एक्सटेंट. ओके. वन रीजन वी केम टू नो कि ज्योग्राफी के टेस्ट वो अच्छे नहीं कर पा रही थी, इसलिए कोई और भी रीजन है क्या? दैट वी विल सी. लेकिन मार्गी के एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, वी कैन से, बिकॉज बहुत जल्दी ही काउंटी इंस्पेक्टर ने पूरा जो मैकेनिकल टीचर था उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको फिक्स कर दिया, एंड इट वॉज बैक देयर इन प्रॉपर शेप एट द राइट प्लेस. नाउ द इम्पॉर्टेंट वर्ड हेयर, अगली. नाउ अगली, अगली का मतलब होता है जब हमें कोई चीज बहुत बुरी लगती है देखने में तो हम उसे अगली कहते हैं. बट यहाँ तो एक मशीन है ना, और एक एक टीवी स्क्रीन है, कितना क्या उसमें बुरा होगा? वो हमें बदसूरत या बुरी देखने में तभी लगेगी जब हमें वो बिल्कुल पसंद ना हो. सो वी हैव 3 इंस्टांसेस टिल नाउ टू शो अस दैट मार्गी हेटेड हर स्कूल. फर्स्ट इंस्टेंस कौन सा था?
जब मार्गी नाराज हो गई कि स्कूल के बारे में एक बुक क्यों लिखी गई है, ऐसा क्या है स्कूलों में। ठीक, सेकेंड इंस्टांस क्या है कि जब जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जब उसने पूरे मैकेनिकल टीचर को ओपन कर दिया, उसके पूरे मशीन को ओपन कर दिया, तो मार्गी होप कर रही थी कि वापस ही शुड ना वो कर पाए उसको फिक्स, ही शुड नॉट बी एबल टू पुट इट बैक अगेन, रीअसेम्बल ना कर पाए। ओके, एंड थर्ड इज व्हेन इट वाज रीअसेम्बल्ड एंड इट वाज रेडी फॉर वर्किंग, मार्गी फाउंड इट ब्लैक एंड अगली। ओके, नाउ सी, दैट वाजंट सो बैड। ओके, द पार्ट मार्गी हेटेड। अब कौन सी चीज को मार्गी सबसे ज्यादा नफरत करती थी, लेट्स सी दैट। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सो ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस के बाद नाउ नेक्स्ट थिंग वी नो इज जिस एरिया में, जिस स्लॉट, स्लॉट्स जैसे हम एटीएम मशीन में जब एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो एक स्पेसिफिक स्लॉट होता है जहां पे हम कार्ड इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद ही हम कोई ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। उसी तरह से इस मशीन में भी एक स्लॉट बना हुआ था, इस मैकेनिकल टीचर में भी एक स्लॉट था जहां पे कि होमवर्क जो है वो होमवर्क के शीट्स को हम इंसर्ट कर देते थे, वो उसको असेस करता था और मार्क्स डिस्प्ले करता था। ओके, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, पंच कोड, और ये कब सीखा था, जब 6 ईयर्स ओल्ड थे। यानी कि अब समझने वाली बात ये है कि जैसे हम अपने कॉपी पे आंसर लिखते हैं, क्या ऐसा ही आंसर लिखकर हम मशीन में इंसर्ट करें तो वो रीड कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तुम सबने ओएमआर शीट्स जरूर कभी ना कभी फिल किए होंगे, चाहे वो कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट हो या कोई एग्जाम हो, कभी ना कभी जरूर उसको किया होगा। सो एज यू नो कि उसमें सर्कल्स कलर करने पड़ते हैं, इजंट इट। सो वो क्योंकि वो ऑप्टिकल मार्क रीडर से रीड किया जाता है, वो जो हम लिखते हैं उसको पढ़ नहीं सकती वो मशीन। यानी एक सर्टेन कोडेड लैंग्वेज है वो, जो हम सर्कल कलर करके आंसर देते हैं ओएमआर शीट पर, कुछ वैसा ही पंच कोड होता है। पंच कोड में पंच किया जाता है एंड दैट ऑल्सो वॉज टॉट टू किड्स ओवर देयर, और मे बी इन दैट टाइम पीरियड जिसकी बात की गई है, उसको पढ़ाया जाता था बच्चों को जब बच्चे 6 साल के होते थे, तो उनको वो पढ़ाया जाता था और उनको वो सीख के उसी में आंसर्स देने होते थे, और उस पंच कोड को मार्क करके पूरे पेपर पे, एंड देन दे हैड टू इंसर्ट द पेपर एट द राइट प्लेस। ओके, दे मेड हर लर्न वेन शी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, दैट इज वेरी ऑब्वियस। मशीन है, द मोमेंट इट वॉज इंसर्टेड द नेक्स्ट इंस्टेंट द मार्क्स वर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. जब पूरा फिक्स हो गया मैकेनिकल टीचर और जब पूरा रेडी हो गया, देन आफ्टर दैट जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने बड़े प्यार से पैट किया, पैटिंग इज डूइंग लाइक दिस, पैट किया मार्गी के सिर पे, एंड मिसेस जोन्स। नाउ हु इज दिस मिसेस जोन्स, लेट्स सी, मिसेस जोन्स, हु इज दिस मिसेस जोन्स, शी इज मार्गीज मदर। तो उन्होंने कहा कि मिसेस जोन्स, मार्गी की कोई गलती नहीं थी, जो ज्योग्राफी सेक्टर था वही थोड़ा ज्यादा फास्ट सेटअप किया हुआ था। नाउ आई हैव स्लोड इट डाउन टू द लेवल ऑफ अ 10 ईयर ओल्ड एंड थिंग्स विल बी इजियर, विल नॉट बी एज डिफिकल्ट फॉर मार्गी एज इट वॉज अर्लियर। एंड ही सेड दैट मार्गी वॉज अ ब्राइट चाइल्ड एंड शी वॉज डूइंग वेल, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ओके, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। इस तारीफ के बाद तो हमें बहुत खुश होना चाहिए, कोई भी हमें बोले कि हम अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में तो हमें तो बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्गी बिल्कुल अपसेट हो गई, बहुत डिस्टर्ब हो गई। शी हैड बीन होपिंग, क्यों डिस्टर्ब हुई, नाउ लेट्स सी, शी हैड बीन होपिंग
दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, और उसने उम्मीद किया था कि टीचर को बनाने में वो ले जाएंगे, वो ले जाके उसको बनाएंगे और बना के वापस लाएंगे, लेकिन जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ. और उसने ऐसा होप क्यों किया था कि टीचर को ले जाएंगे, बिकॉज दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. और ऐसा उसने इसलिए एक्सपेक्ट किया था क्योंकि वो टॉमी के टीचर को एक बार ले गए थे बनाने के लिए, जब उसका हिस्ट्री सेक्टर कंप्लीटली खराब हो गया था. और कितने दिनों में वापस लाए थे? 1 मंथ में. और इसीलिए मार्गी को लगा था कि मेरा भी मैकेनिकल टीचर ये ले जाएंगे और 1 मंथ तक मुझे नहीं पढ़ना होगा. अच्छा, तुम लोगों की छुट्टियों को कितने दिन हो गए? किसी को 1 मंथ हो रहा होगा, किसी को 1 मंथ से ज्यादा हो रहा होगा एग्जाम्स ओवर हुए. कितना मिस कर रहे हो अपने स्कूलों को, इजंट इट? बट सी हियर, मार्गी बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही थी. इनफैक्ट शी वांटेड कि काश कि ये ले जाए इसको. पहले उसने सोचा कि ये बिल्कुल खराब हो जाए, बने ही ना. और जब बन गया तो बहुत दुखी थी कि 1 घंटे में बन गया, इतना जल्दी बन गया. मार्गी ने सोचा था कि काश कि इसको 1 महीने के लिए ले जाए. ओके, नाउ सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. नाउ वी, दिस वाज ऑल फ्लैशबैक, नाउ वी आर बैक टू प्रेजेंट. ओके, फ्लैशबैक में हम कहां से गए थे, जहां से वो बताया जा रहा था कि कैसे मार्गी अपने स्कूल्स के लिए उसके मन में हेट्रेड डेवलप हुआ. फ्रॉम देयर वी वेंट इनटू द फ्लैशबैक. नाउ वी आर बैक टू द डिस्कशन दे वर डूइंग अबाउट द रियल बुक. द सब्जेक्ट ऑफ दैट बुक वॉज स्कूल. सो नाउ मार्गी सेज टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ अ स्कूल स्टूपिड. This is the old kind of a school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Now see, जब हमें कोई चीज पता होती है और किसी और को नहीं पता होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा माइल्ड प्राउड फील करते हुए उससे बात करते हैं. सो सुपीरियोरिटी दिखाते हुए, टू बी एग्जैक्ट. और यहाँ पे वो भी, टॉमी भी सुपीरियोरिटी दिखाते हुए मार्गी से बात करता है. मार्गी पूछती है, स्कूल में ऐसा क्या है कि उसके ऊपर एक बुक लिख दी जाए? एंड टॉमी लाफ्स काइंड ऑफ, ही मेक्स फन ऑफ मार्गी एंड ही रिडिक्यूल्स हर स्लाइटली, शोज हिज सुपीरियोरिटी बाय सेइंग कि अरे ये आज के स्कूलों के बारे में नहीं है, दिस इज अबाउट द स्कूल्स ऑफ ओल्डन डेज, जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो थे. Centuries ago, like this, ऐसे वो बोलता है centuries ago, जो पहले थे. Loftily का meaning भी दिया हुआ है. Loftily means in a superior way. So superiority show करते हुए. Margie was hurt. Obviously, कोई भी किसी से भी इतना कोई superiority दिखा के बात करेगा तो बुरा लगना तो बनता ही है. Well, I don't know what kind of a school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Okay, so Margi ko bura laga, fir usne kaha, pata nahi kis tarah ke schools the us samay, I don't know. Lekin chalo, jo bhi ho, par ek teacher to unke bhi hote the. Okay, sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who said this? This was Tommy's reply. Tommy ne kaha, bilkul, ek teacher zarur hote the unke, but it was not a regular teacher. Look over here, regular teacher. It was not a regular teacher. What do you mean by a regular teacher? उन लोगों के, यानी मार्गी और टॉमी और उनके जैसे बच्चों के, जिस एरा में वो रह रहे थे उस समय, एक रेगुलर टीचर का मतलब क्या था? मैकेनिकल टीचर. और उनके लिए एक ह्यूमन बीइंग वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर. ओके, सो ही सेज दैट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर बट अ मैन. अ मैन हियर रेफर्स टू अ ह्यूमन बीइंग. A man, how could a man be a teacher? Margi was surprised, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि कोई human being teacher हो सकता है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. And Tommy said कि बहुत straight है. He taught them, he gave them some lectures and he gave them questions and homework to solve. A man isn't smart enough. Margi again contradicted and she said कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग एक मैकेनिकल टीचर के बराबर स्मार्ट हो सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल. श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर.
टॉमी सेड कि बिल्कुल हो सकता है, आफ्टर ऑल मेरे फादर को भी उतनी ही नॉलेज है जितने कि मेरे मैकेनिकल टीचर को. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा. ही सेज बिल्कुल उतना ही. एंड आई बेटचा, बेटचा का मीनिंग क्या होता है, दैट इज गिवन, इट्स एन इनफॉर्मल वे टू से आई बेट दैट ही नोज एज मच एज दैट. ओके, मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Now, Margi again put forward another logic, another point of contradiction, and she said, ki hoga, mujhe nahi malum, but ek anjaan aadmi mere ghar aake mujhe padhaye. Remember, they did not go to any school. Unka school room unke ghar mein hi hota tha, unke bedroom ke paas. सो शी सेज कि एक अनजान आदमी घर में आके मुझे पढ़ाए, ये तो मैं कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकती. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, वो जोर जोर से हंसा, उसको ये बहुत बेकूफी की बात लगी. एंड ही लाफ्ड लाइक एनीथिंग. यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. एंड ही लाफ्ड एंड ही सेड, ओ कम ऑन मार्गी, उस समय ऐसा नहीं होता था. एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और उस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ने जाते थे, टीचर्स भी वहां पढ़ाने जाते थे. नाउ विच बिल्डिंग इज ही रेफरिंग टू? ही इज रेफरिंग टू स्कूल्स लाइक योर्स. ओके, जैसे स्कूल्स में तुम जाते हो वैसे स्कूल्स की बात कर रहा है. बट माई श्योर इफ देवर ऑफ द ऑल एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ देवर ऑफ द सेम एज. सो मार्गी आस्क्ड कि सारे बच्चे एक चीज पढ़ते थे, वेरी स्ट्रेंज. सो टॉमी सेड कि बिल्कुल पढ़ते थे अगर वो सेम एज ग्रुप के होते थे तो. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. मागी सेज कि मेरी मम्मी कहती हैं कि टीचर को तो चाइल्ड स्पेसिफिक होना चाहिए, चाइल्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है और हर एक चाइल्ड का पढ़ने का और सीखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. टॉमी लॉस्ट अ लिटिल ऑफ बिट ऑफ हिज पेशेंस एंड ही सेड कि वैसा ही तब भी होता था मार्गी, और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स लग रही हैं सो डोंट रीड दिस बुक इफ यू डोंट वॉन्ट. I didn't say I didn't like it, Margi said quickly. She wanted to read about those funny schools. So Margi was immediately withdrawn, तुरंत थोड़ा सा पीछे हट गई और बोली, नहीं नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो खराब है. I want to read this book, I'm very interested. And she actually wanted to know about those funny schools. Now funny here means the fun filled life of those schools. Your schools, aren't they fun filled? Aren't they make you very happy when you go over there? Okay, now they weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school? Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. अभी तो आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी कि तभी मार्गी की मदर ने जोर से आवाज लगाई, मार्गी स्कूल टाइम. And Margie was like, no mom, not at all, abhi mera bilkul man nahi hai. But she said, no, it's time, you must reach your school room and it's time for Tommy as well. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? She wanted to read more after school. Maybe, he said nonchalantly. Now meaning of nonchalantly is given. Okay, he walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. और उसने बोला, मे बी बाद में पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी. और वो बुक को अपने हाथ के नीचे ऐसे दबाकर और मुस्कुराते हुए विस्लिंग करते हुए चला गया. ओके, नॉनचैलेंटली मीन्स अनअफेक्टेड, किसी बात के लिए बहुत कोई इंटरेस्ट शो ना करना, दैट इज नॉनचैलेंटली. मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जैसा कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं. And the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Okay, so mechanical teacher hamesha same time pe on ho jata tha every day and except Saturday and Sunday, that is weekends pe bas chutti hoti thi, otherwise it was on at a fixed time. Okay, because her mother said that little girls learned better if they learned at regular times, regular hours rather.
द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक स्लॉट बना होता था जहां पे पंच कोड में आंसर्स मेंशन करके उनको इंसर्ट करना होता था उन पेपर्स को. ओके, सो स्क्रीन तैयार थी मार्गी के लिए. एक फिक्स टाइम पे रोज वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती थी बिकॉज मार्गीज मदर बिलीव कि बच्चे तभी अच्छा सीखते हैं जब वो फिक्स टाइम पे पढ़ाई करते हैं रोज. सो एवरी डे इट लिट अप एट द सेम टाइम. और आज भी स्क्रीन फ्लैश कर रही थी एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. पर क्या मार्गी का मन पढ़ाई में लग रहा था? लेट्स सी. मार्गी डिड सो विद अ साई. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. So, Margi ka man to us school room mein aur mechanical teacher aur addition of proper fractions mein tha hi nahi. What was she thinking actually? She was thinking about those schools of olden days jab uske grandfather ke grandfather ek chote bacche the. Okay? All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with homework and talk about it. Kitna maza aata hoga jab sare neighborhood ke, mohalle ke, colony ke bacche ek sang ek hi school mein jaate honge, ek sang baith ke baatein karte honge, school ka jo ye schoolyard hota tha wahan khelte the. कितना मजा आता होगा. और सबसे बड़ी बात कि वो एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे. ओके, एंड द टीचर्स वर पीपल एंड द बेस्ट पार्ट इज द टीचर्स वर नॉट मशीन्स. दे वर ह्यूमन बीइंग. दे वर कंपैशनेट. देयर वाज अ लव. देयर वाज अ बॉन्डिंग विद द टीचर जो एक मशीन के संग हमेशा मिसिंग होती है. ये फीलिंग, ये अफेक्शन, ये कंसिडरेशन, ये कंपैशनेट नेचर जो एक ह्यूमन टीचर देता है एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, वो एक मशीन कभी नहीं दे सकती. ओके, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज कंटिन्यूइंग विद इट्स लेक्चर ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. वॉज मार्गी एक्चुअली डूइंग प्रॉपर फ्रैक्शंस? नो, द लास्ट लाइन सेज इट. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स must have loved it in old days. She was thinking about the fun they had. Okay, now you also think about the fun you had when you were going to the school. Till then, we are going to say bye to each other. We'll meet again with a further discussion and analysis of this chapter and some important questions. Take care. We'll see you again. Till then, bye.